दैनिक प्रभात पूना में सनसनीखेज हत्या करने वालों की कोर्ट में हाजिरी। योर ऑनर, इस पूना में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 खून हो गए। खून होते रहे पर खूनी पकड़े न गए। सारे पूना पर दहशत छा गई, पुलिस की नींद उड़ गई, सरकार के हवास जाते रहे। बूढ़े जवान हर एक स्त्री पुरुष को अपनी अपनी जान की पड़ गई थी, पर पुलिस की कोशिश कहिए या परमेश्वर की इस पवित्र नगरी पर कृपा, आखिर खूनी पकड़े गए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, खून का गुनाह अभी तक साबित हुआ ही नहीं, इसलिए मेरे फाजिल दोस्त का मुलजिमों को खूनी ठहराना मुनासिब नहीं। ऑब्जेक्शन मंजूर है मिस्टर साठे। ठीक है योर ऑनर, इनका कहना मान लिया, पर यह मशकूक अपराधी जो वैसे तो शरीफ और सज्जन दिखाई देते हैं, दरअसल खून इन्होंने ही किए हैं, और इसका सबूत है अपने प्राणों की परवाह न करते हुए सच क्या है यह कहने के लिए आया हुआ इस घटना का सरकारी गवाह विलास मोडक। भगवान कसम सच कहूंगा, झूठ नहीं कहूंगा। भगवान कसम सच कहूंगा, झूठ नहीं कहूंगा। जज साहब, मैं कबूल करता हूं कि राघवेंद्र, प्रदीप, रॉकी और अनवर हम सब आपस में बड़े गहरे मित्र थे, पर मिस्टर विलास घबराइए नहीं, सच क्या है साफ साफ कहिए, आप इस वक्त कानून की हिफाजत में हैं। जज साहब, हमें ऐसा लगता था कि हम एक दूसरे के जीवन मरण के साथी हैं, दिलो जान से एक, हर काम में, पर इस आदमी के मन में क्या था हमें कभी मालूम ना हुआ। राघवेंद्र का मन, इसकी नीयत, इसके बारे में हम बहुत देर तक अंधेरे में रहे। हमें पता ही ना चला कि राघवेंद्र का स्वभाव और करेक्टर क्या है, और ना ही इस बात का कि इसके दिल में एक शैतान है। ये रेड लाइट बंद करना। हाँ हाँ। इसकी खोपड़ी में कुछ नहीं आता, इतने दिनों समझा के थक गया। हेलो, थोड़ा मुंह नीचे करना जरा। हाँ, ऐसे हिलना नहीं। थैंक यू, क्या पोज दिया। अड्डे पे आके पैसे ले जाना, पता याद है ना। वाह, पिछले हफ्ते नहीं आई थी क्या? हाँ। अच्छा, मैं कपड़े बदलूं जरा। हाँ। अच्छा, ये लक्षण है तुम्हारे? मतलब? मुझसे मिलना हो तो टाल जाते हो, ऐसी चटक मटक करने वाली लौंडिया मिल जाए तो फिर मेरी क्या जरूरत है? नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है, कितनी बार आके गई मैं? सच? पर तुम्हारा पता ही नहीं। नहीं, ये बात नहीं, एग्जाम सर पे है ना, फ्रेंड्स के साथ अड्डे पे पढ़ाई कर रहा था। अच्छा। हाँ। एग्जाम के लिए ऐसे फोटो खींचने पड़ते हैं? नहीं, एग्जाम के लिए नहीं, 30 के लिए भी तो पैसे चाहिए ना, और भी तो खर्चे। अच्छा बहाना है, वाह। जानी क्या करता, एडिटर ने कहा सती सावित्री का फोटो नहीं चलेगा, इसलिए हिट एंड हॉट चाहिए, तू ऐसा पोज देगी? भूल के भी नहीं। सच कहूं क्या, उसका फोटो खींचते समय मुझे लेंस में तू ही दिख रही थी। हटो। देखो, आज मैं खास मतलब से फोटो खिंचवाने आई हूँ, शादी के लिए। शादी के लिए? क्यों, है एक लड़का शोलापुर का, उसे फोटो भेजना है। अरे, आंखों के सामने लड़का होते हुए तेरी माँ को शोलापुर जाने की क्या जरूरत थी? हटो, ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें रहने दो। हाँ। कैसी चिकनी चुपड़ी? बोलो, कब होगी हमारी शादी? अरे अंजू, वैसे तो सब तय हो ही चुका है ना, तू ऐसा कर उसमें आ जाना, वहीं बात करेंगे। सच्ची? हाँ। आओगे ना? प्रॉमिस। अंजू, तेरे पास कुछ पैसे? पैसे? हाँ। है ना? जरा मॉडल को देना। अरे
पर तुमने तो उसे अड्डे पर बुलाया है ना? हाँ यार, पर वो दोबारा सलीम अड्डे पर नहीं आए तो अच्छा नहीं। मैं दे दूंगा ना तुझे पे। हटो, मैंने तुमसे कभी मांगे हैं क्या? कभी नहीं। नहीं नहीं क्या? अच्छा हुआ कल ही मुझे पगार मिल गई। ये लो, 100 रुपए काफी है। कैसे भी चला लूंगा। ओह, मेरा तो ऑफिस जाने का वक्त हो गया, तो मैं चलती हूँ। अच्छा, बाय बाय। ए, कल कॉफी हाउस में आना जरूर। जरूर। अच्छा मैं चलती हूँ। ए, परसों अड्डे पे। हाँ बाय। रख गया, मुझे पैसे चाहिए पेपर लाने के लिए, हाइपो लाने के लिए। तेरी तो मैं हमेशा पैसे ही चाहिए।